नमस्कार। आज हमारे ई लेक्चर का टॉपिक है रेस्ट पाइल स्ट्रक्चर। पाइल संरचना का वर्गीकरण निम्न अनुसार है, यानी पाइल का जो फैब्रिक जिसमें लूप्स बनते हैं उस कपड़े का जो क्लासिफिकेशन है वो ऐसे इस तरह से है। वार्प पाइल स्ट्रक्चर जिसको कि वेलवेट भी कहते हैं, और वेफ्ट पाइल स्ट्रक्चर जिसे वेलवेटीन कहते हैं। वेलवेट का नकली वेलवेट जिसे कहते हैं वो वेलवेटीन होता है। वार पाइल के जो सब क्लासिफिकेशन है वो बनाने के तरीके के अनुसार, वार पाइल का जो है वायर पाइल विद द एड ऑफ वायर बनाया जाता है, जो कट और अनकट दोनों तरह से बनते हैं। इसमें पहला प्रकार है लूज स्ट्रक्चर और फास्ट स्ट्रक्चर में इनको बनाया जा सकता है। दूसरा टाइप है फेस टू फेस वीव, फेस टू फेस पाइल बनाकर जो है कट पाइल बनाए जाते हैं इस मेथड में। और तीसरा है टेरी पाइल्स, जो कि अनकट पाइल्स होते हैं और जिनको अलग तरह से अलग अरेंजमेंट लूम के ऊपर करके उसको बनाया जाता है। ये हम पिछले लेक्चर्स में हम वार पाइल स्ट्रक्चर को करीब कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे वेफ्ट पाइल स्ट्रक्चर या वेलवेटीन की। वेलवेटीन के जो प्रकार हैं वो आल और प्लेन, दूसरा टाइप है वेफ्ट प्लसेस, तीसरा है फिगर्ड वेलवेटिन और चौथा है कॉर्डेड वेलवेटिन या कॉर्डरॉयस। इनको हम वन बाय वन आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहला है वेफ्ट पाइल वेलवेटिन की परिभाषा, ये होता क्या है। देखिए, वेफ्ट पाइल कपड़े जो है नकली मखमल यानी वेलवेट का एक इमिटेशन होता है, उसको हम नकली मखमल भी कहते हैं, वेलवेटिन के रूप में भी जाना जाता है। बाना पाइल कपड़े यानी वेफ्ट पाइल जो कपड़े हैं, इन कपड़ों में वेफ्ट के धागे की दो प्रणाली यानी वेफ्ट की दो सीरीज काम में लेते हैं, एक सीरीज ग्राउंड के लिए और दूसरा पाइल के लिए, तथा धागे की एक ताना धागे की एक प्रणाली काम में आती है, यानी वार्प का एक सीरीज हम काम में लेते हैं। अगर पाइल का वेफ्ट ग्राउंड वेफ्ट से काउंट या रंग में अलग है तो एक ड्रॉप बॉक्स की आवश्यकता होती है। लूम के जो अरेंजमेंट्स होते हैं उसमें अगर हम अलग कलर ग्राउंड का जो वार्प का वेफ्ट काम में लेते हैं, अगर उससे अलग कलर का वेफ्ट पाइल में काम में लेते हैं तो हमें दूसरे ड्रॉप बॉक्स की आवश्यकता होगी, अरेंजमेंट की आवश्यकता होगी लूम के ऊपर। और वेलवेटिन कपड़े में आमतौर पर ताना धागे की तुलना में बाना धागे बहुत अधिक अनुपात में होते हैं, यानी कि रेशियो जो है वेफ्ट पाइल वेफ्ट का थ्रेड्स का रेशियो हम वार्प से ज़्यादा रखते हैं। वेफ्ट पाइल संरचनाओं की एक विशेषता जो है, वेफ्ट का बहुत उच्च घनत्व है, यानी कि हम इसमें जो पाइल बनाते हैं वो वेफ्ट से बनाते हैं तो वेफ्ट की डेंसिटी इसमें ज़्यादा रखते हैं। ताना पाइल के विपरीत वेफ्ट के पाइल में धागे के लूप नहीं बनते हैं। जैसे हम पिछले वार्प पाइल में पढ़ा है कि हम लूप्स बनाते हैं आइदर वायर्स की सहायता से या स्पेशल अरेंजमेंट करके टेरी पाइल बनाते हैं या फेस टू फेस के हिसाब से, वैसे इसमें लूप्स ना बनकर यहाँ पर वेफ्ट के जो धागे हैं उनके फ्लोट्स बनते हैं, लंबे फ्लोट्स बनते हैं। उन फ्लोट्स को कट और अनकट कट करके उसमें कट पाइल बनाया जाता है। वेफ्ट फ्लोट्स को काटने की विधि पाइल की संरचना पर निर्भर करती है। कॉटन मुख्य रूप से वेफ्ट पाइल संरचनाओं काम आता है। कुछ मामलों में रेयन, वर्स्टेड और मोहर का उपयोग विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। वेफ्ट पाइल निम्न प्रकार वर्गीकृत की जा सकती है, यानी वेफ्ट पाइल को हम आगे जिस तरीके से उसको बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका क्लासिफिकेशन है। प्लेन बैक वेलवेटिंग, विल बैक वेलवेटिंग, कॉर्डेड या कॉर्डरॉयस, वेफ्ट प्लसेस, फिगर्ड वेलवेटिन। प्लेन बैक वेलवेटिन यानी कि प्लेन बैक यानी ग्राउंड का जो वीव है वो अगर प्लेन वीव होता है तो वो प्लेन बैक वेलवेटिन होता है। इन्हें पूर्ण सतही वेलवेटिन के रूप में भी जाना जाता है, यानी ऑल ओवर पाइल इसके ऊपर बनते हैं, इसलिए इनको ऑल ओवर वेलवेटिन के नाम से भी जाना जाता है। आमतौर पर राउंड की सादा बुनाई होती है इसलिए इसे प्लेन बैक वेलवेटिंग कहते हैं, यानी ग्राउंड का जो फैब्रिक होता है बैक बैकिंग होती है पाइल्स की, इसलिए वो प्लेन से बैकिंग की जाती है इसलिए इसको प्लेन बैक कहते हैं। ग्राउंड से पाइल के अनुपात को बुनाई की प्रकृति के अनुसार चुना जाता है। सामान्यतः यह अनुपात 1:1 रखा जाता है। ग्राउंड से पाइल का जो रेशियो है
वो वैसे तो बुनाई जो हम फाइल बनाएंगे उसकी नेचर के अकॉर्डिंग रखते हैं, लेकिन जनरली 1:2 का रेशियो इसमें रखा जाता है। यहाँ पर अब हम जो प्लेन बैक वेलवेटिन को ग्राफ पर कैसे बनाया गया है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, मार्क्स क्या शो करते हैं, वो आपको इसमें समझ आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया है ग्राउंड व्यू, जो कि प्लेन व्यू है, क्योंकि प्लेन बैक बना रहे हैं तो ग्राउंड का व्यू प्लेन होगा। फाइल का व्यू जो है वो रेशियो के अकॉर्डिंग हम इसमें देखते हैं, तो इसमें रेशियो हमने 1:3 का रेशियो लिया है, और यहाँ पर तीन वन अप टू डाउन ट्विल, फाइल व्यू जो है 1 अप 2 डाउन का ट्विल हमने दिया है। तो पहले सबसे पहले हम ग्राउंड व्यू लेते हैं, फिर फाइल व्यू का निर्माण करते हैं, दोनों मोटिव हमारे पास होते हैं। उसके बाद देखिए सी में, ए और बी में हमने दिखाया है, सी में आप देखिए इंसर्टेड ग्राउंड व्यू। सबसे पहले हम ग्राउंड व्यू को इंसर्ट करेंगे ग्राउंड थ्रेड्स में, जो कि हमने मार्क किया है। देखिए साइड में जो रेशियो था ग्राउंड वन, फिर पी वन पी टू पी थ्री, फिर ग्राउंड टू पी वन पी टू पी थ्री, तो सब हम थ्रेड्स को मार्क करेंगे ग्राउंड पाई के हिसाब से। फिर ये मार्किंग करने के बाद फिल ग्राउंड वीव इन ग्राउंड थ्रेड्स, जो कि हमने सी में दिखाया है, 1 अप 1 डाउन के हिसाब से हमने पाई फिल कर दिया है, ग्राउंड वीव फिल कर दिया है। डी में देखिए यहाँ पर हमने बनाया है, अब जो है ग्राउंड वीव फिल करने के बाद डी में हमने पाइल व्यू, जो कि हमने 1 अप 2 डाउन ट्विल लिया है, जो मोटिव है उसके अकॉर्डिंग पहले थ्रेड में फिर अल्टरनेट थ्रेड में हम इसको फिल करते हैं। तो इस तरह ये हमारा ट्विल व्यू इसमें पाइल थ्रेड्स में फिल कर दिया है, पाइल वाले पिक्स में। इस तरह ये जो है हमारा प्लेन बैक वेलवेटिन तैयार हो गया है। इसमें ड्राफ्ट और पैक प्लान भी दिखाया गया है। ड्राफ्ट में ये 4 हीट पर बनाया गया है, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसका पैक प्लान भी बना दिया है। और मार्क जो शो करते हैं जी ग्राउंड वेफ्ट को, पी वन पी टू पी थ्री पाइल वेफ्ट को, 1 2 3 तीनों पाइल्स को मार्क करते हैं, शो करते हैं, और क्रॉस जो है ग्राउंड व्यू और ओ पाइल व्यू को शो करता है। इस तरह ये प्लेन बैक वेलवेटिंग हमारा बन गया है, जो कि अभी अनकट स्थिति में है, क्योंकि कट की स्थिति हम आगे समझेंगे कि कट इस को कट फाइल दिखाने के लिए क्या करना है। देखिए यहाँ पर हमने कट फाइल और फास्ट स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि ग्राउंड व्यू हमने सेम लिया है जैसा पहले लिया था, प्लेन ही इसमें है। ट्विल व्यू को हमने 1 अप 2 डाउन, जो कि ओ से शो करता है, लेकिन इस व्यू को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और फाइल स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसकी फास्टिंग की गई है, जो कि एक मार्क एक्स्ट्रा हमने इसमें लगाया है क्रॉस लगाकर। तो हर एक ट्विल का जो बेस मार्क था उसके नीचे एक हमने क्रॉस मार्क लगा दिया है इसके साइड में। अब हम इसको फिल करते हैं, पहले ग्राउंड पाइल इनको मार्क करेंगे, G1 P1 P2 P3 G2 P1 P2 P3 ये हमने मार्क कर दिया है, और उसके बाद सबसे पहले प्लेन भी फिल करेंगे, और उसके प्लेन भी फिल करने के बाद जैसा ट्विल व्यू हमने पाइल का लिया है वो हम इसमें फिल कर देते हैं अल्टरनेट थ्रेड्स पर। देखिए ये हमने इसमें फिल कर दिया है। इसको कट पाइल बनाने के लिए देखिए हमने डी में जो दिखाया है कट पाइल में कन्वर्ट करने के लिए जो फ्लोट की लेंथ है, यानी कि वेफ्ट का जो फ्लोट बन रहा है उस फ्लोट की लेंथ को सेंटर से कट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला पी वन को हम देखते हैं, जिसमें क्रॉस के बाद में 1, 2 और 3 तीन का फ्लोट बनता है वेफ्ट का, तो सेंटर से कट करने के लिए हम इसके सेंटर में नीचे एरो का मार्क लगा देते हैं। देखिए नीचे ब्लू कलर में एरो मार्क लगाया हुआ है, जो कि हर एक वेफ्ट के फ्लोट के सेंटर में मार्क किया गया है। तो इस तरह जब हमने एक मार्क लगा दिया तो उसके बाद अल्टरनेट थ्रेड पर ये मार्क लगा दिया जाएगा। इस तरह ये अनकट पाइल का स्ट्रक्चर बन गया है।
यहाँ जो मार्क शो कर रहे हैं स्टेप्स वही सेम है, सिर्फ एक एरो मार्क यहाँ पर दिखाया है जो कि कट मार्क को शो करता है, फाइल के कट को शो करता है। नाउ ये लूज स्ट्रक्चर प्लेन बैक वेलवेटिंग का एक बार फिर से देखिए, इसको हमने अलग मोटिफ लिया है फाइल के लिए, ग्राउंड वीव लिया है हमने प्लेन ही, और फाइल वीव जो लिया है वो हमने सैटिन इररेगुलर सैटिन लिया है, और मेथड वही है, पहले प्लेन हम मार्क करेंगे, थ्रेड्स को मार्क करेंगे ग्राउंड और पाइल के थ्रेड्स को, क्योंकि यहाँ पर रेशियो जो लिया है वो हमने 1:4 का लिया है, तो एक ग्राउंड के बाद चार पाइल के थ्रेड्स लिए हैं, फिर ग्राउंड के बाद फिर चार पाइल के थ्रेड्स हैं, और उनकी फिलिंग हम एज इट इज़ जैसा मोटिफ है वैसा पाइल के थ्रेड्स में हम अल्टरनेट थ्रेड्स पर इसको फिल कर देते हैं। स्टेप्स एंड मार्क्स यूज क्रॉस ग्राउंड वीव को, ओ पाइल वीव, G1, G2, ग्राउंड वेफ्ट 1 और वेफ्ट 2, P1, P2, P3, P4 पाइल के चारों पाइल के वेफ्ट जो हैं उनको शो करता है। तो इस तरह ये लूज स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें हमने अभी फास्टनिंग नहीं की है, इसका फास्ट स्ट्रक्चर हम आगे देखते हैं। ये फास्ट स्ट्रक्चर है उसी वीव को, देखिए इसको फास्ट करने के लिए हमने पाइल वीव में एक एक्स्ट्रा मार्क, हर एक हमारे मार्क के ऊपर जो पाइल का वीव था उसके बेसिक मार्क बेस मार्क के आगे हमने एक एक्स्ट्रा मार्क क्रॉस के रूप में लगा दिया है। इस तरह ये क्रॉस जो है ये इसको इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ये फास्ट स्ट्रक्चर बनेगा। तो मेथड वही है, पहले ग्राउंड में ग्राउंड का वीव फिल करेंगे और फिर पाइल थ्रेड्स में पाइल का वीव फिल करेंगे। ये फास्ट पाइल स्ट्रक्चर अनकट का जो है वो तैयार हो गया है। फिल बैक वेलवेटिन, इन्हें भी पूर्ण सतही ऑल ओवर वेलवेटिन के रूप में ही जाना जाता है, क्योंकि ये सेम है, सिर्फ इसमें बैकिंग चेंज हो जाती है, बाकी ऑल ओवर वेलवेटिन पाइल बनाते हैं। आमतौर पर ग्राउंड की बुनाई ट्विल होती है, इसलिए इसे ट्विल बैक या जेनोवा बैक वेलवेटिन भी कहते हैं। ट्विल बुनाई में सादे बुनाई की तुलना में इंटरलेसमेंट की संख्या कम होती है, ट्विल में प्लेन से कम इंटरलेसमेंट होते हैं वार्प और वेफ्ट के, इसलिए ग्राउंड स्ट्रक्चर के रूप में एक ट्विल बैक वेलवेटिन में सादे बैक वेलवेटिन की तुलना में स्ट्रक्चर की दृढ़ता कम होती है। नतीजतन ट्विल बैक वेलवेटिन को एक समान दृढ़ता देने के लिए सादे बैक वेलवेटिन की तुलना में उच्च पिक घनत्व की आवश्यकता होती है। ट्विल में प्लेन वीव में इंटरलेसमेंट ज़्यादा होते हैं तो प्लेन वीव से बना हुआ कपड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ट्विल वीव में क्योंकि इंटरलेसमेंट नंबर ऑफ इंटरलेसमेंट कम हो जाते हैं तो उसको उस लेवल की स्ट्रेंथ देने के लिए नंबर ऑफ वेफ्ट जो है वो हम बढ़ा देते हैं, यानी वेफ्ट की डेंसिटी जो है वो बढ़ा देते हैं। ट्विल बैक वेलवेटिन में टू अप वन डाउन ट्विल बैक वेलवेटिन जो होता है उसको जीनेट बैक वेलवेटिन भी कहा जाता है। इसको बनाने का जो तरीका है वही, हम ग्राउंड वीव पहले हमने लिया, टू अप वन डाउन ग्राउंड का ट्विल ले लिया है, और पाइल वीव वही वन अप टू डाउन ट्विल लिया है। यहाँ पर अब जो रेशियो हमने लिया है 1:2 का रेशियो लिया है, यानी एक ग्राउंड और दो पाइल, तो क्योंकि हमारे ग्राउंड में तीन थ्रेड हैं तो हमें पाइल के 6 थ्रेड चाहिए, तो इस तरह रिपीट की जो साइज होगी वो 6 थ्रेड्स जो हैं वो वार्प के होंगे और 9 थ्रेड्स जो है वेफ्ट के होंगे, तो दो रिपीट जो है पाइल की हम इसमें ग्राउंड के रेशियो के अकॉर्डिंग दो रिपीट हमें पाइल वीव की लेनी होगी। तो इस तरह जब हमने साइज निकाल लिया और साइज के बाद सबसे पहले ग्राउंड मार्किंग करेंगे हम थ्रेड्स की, ग्राउंड पाइल ग्राउंड पाइल ग्राउंड, जो कि ग्राउंड पहला ग्राउंड 1, फिर P1 P2, फिर ग्राउंड 2, फिर P3, देन P1, फिर ग्राउंड 3, देन P2 एंड P3, जो उनको डिवाइड कर दिया हमने तीन भागों में। अब पाइल वीव को अब हम फिल करेंगे, जैसे प्लेन बैक में फिल किया था उसी तरह इनके जो थ्रेड्स हैं वहाँ पर हम इसको मार्क करेंगे, और ये ट्विल हमने फिल कर दिया है अल्टरनेट थ्रेड्स पे।
और ये लूज स्ट्रक्चर जो है ट्विल बैक वेल्वेटिक का बनकर अनकट स्ट्रक्चर का तैयार हो गया है। मार्क एज इट इज है, क्रॉस जो है ग्राउंड व्यू को शो करता है, ओ पाइल व्यू को शो करता है, जी वन जी टू ग्राउंड वेफ्ट वन और टू, पी वन पी टू पी थ्री पाइल वेफ्ट वन टू थ्री को शो करते हैं। नाउ ट्विल बैक वेल्वेटिन कट पाइल, वही सेम हमने यहाँ बनाया है, उसी को एज इट इज स्ट्रक्चर जो पिछला था उसी में नीचे हमने फ्लोट में एरो मार्क लगाया है। तो ये जो एरो मार्क लगाया है, देखिए पहला जो पाइल है वो उसका फ्लोट बनता है पाँच का, तो इसके लिए हमने एक दो तीन चार पाँच यानी तीसरे स्लॉट में, तीसरे बॉक्स में हम एरो मार्क लगा देते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंग अल्टरनेट पर हम एरो मार्क लगा देते हैं। इस तरह ये जो है कट पाइल हमारा, कट पाइल का स्ट्रक्चर जिसको ग्राफ पर शो किया गया है वो यहाँ पर बन गया है। यहाँ स्टेप्स एंड मार्क शोज में सिर्फ एक एडिशन जो हुआ है वो एरो मार्क का हुआ है, जो कि फाइल कट के मार्क को शो करता है। नाउ फास्ट स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर हमने पिछला बनाया है उसी को हम इसमें फास्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे। मेथड वही है जो प्लेन बैक में हमने किया था, ग्राउंड व्यू एज इट इज है, टू अप वन डाउन, पाइल भी वही वन अप टू डाउन है, लेकिन फास्ट करने के लिए हमने इसके साथ एक एक्स्ट्रा मार्क लगा दिया है और इस तरह हम उसको फिल करेंगे। पहले ग्राउंड में ग्राउंड को फिल कर दिया और पाइल थ्रेड्स में पाइल को हमने फिल कर दिया है। इस तरह फिल करने के बाद जो फ्लोट्स बन रहे हैं, यहाँ पर फ्लोट जो है तीन का बन रहा है, तो हम पहले पाइल को देखते हैं, क्रॉस के बाद तीन का फ्लोट है, उसमें सेकंड के नीचे हमने एरो मार्क लगा दिया है और अल्टरनेट पर फिर एक एक एरो मार्क और लगा दिया है, क्योंकि तीन पाइल है एक रिपीट में, तो तीन पाइल का एरो मार्क लगा दिया है। ये इस तरह हमारा फास्ट ट्विल बैक वेल्वेटिन भी फास्ट स्ट्रक्चर कट पाइल यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया है। कॉर्डेड वेल्वेटिन या कॉर्डरॉयस, कॉर्डेड वेल्वेटिन इसमें कॉर्ड्स बनती हैं। कॉर्डरॉय को वेल्स नामक सीधी खड़ी लकीरें बनाने के लिए बेस फैब्रिक में धागे के अतिरिक्त सेटों को बुनाई करके बनाया जाता है, यानी कि जो हम वेब के फ्लोट्स बनाते हैं उनमें सेटिंग हम चेंज कर देते हैं और वेल्स का निर्माण इस तरह किया जाता है कि जब पाइल को काट दिया जाता है तो सीधी रेखाओं को स्पष्ट देखा जा सके। जैसा कि यहाँ स्ट्रक्चर दो दिखाए गए हैं, एक में राइट हैंड साइड में देखिए ये एक वेलवेट कॉर्डरॉय फैब्रिक का पिक है, जिसमें देखिए ये लाइंस बनी हुई हैं, देखिए लाइंस दिखाई दे रही हैं, उभरी हुई लाइन है, उनमें धसी हुई लाइन बीच में, तो ये उभरी हुई जो लाइनें हैं वो कट पाइल है और बीच में जो है ग्राउंड का फैब्रिक दिखाई देता है। इसी को एक लाइन डायग्राम में दिखाया गया है, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, जिसमें ऊपर अनकट पाइल्स को फैब्रिक को बिफोर कटिंग दिखाया गया है, इसमें प्लेन ग्राउंड फैब्रिक जो है प्लेन है और उसके ऊपर फ्लोट्स बने हुए हैं। देखिए जहाँ कट लिखा हुआ है वहाँ देखिए यहाँ पर दो पाइल है, एक पाइल लंबा है जो कवर करता है छोटे पाइल को, तो इस तरह जब इसको सेंटर से कट करते हैं तो जो आफ्टर कटिंग वाला व्यू है उसमें देखिए जो ऊपर वाला जो लंबा फ्लोट है वो देखिए लंबाई और ऐसे एक सर्कुलर हाफ सर्किल में टेपर्ड शेप में ये पाइल्स जो है वो दिखाई देती हैं, क्योंकि बाहर वाला जो पाइल है वो छोटा है और बीच वाला जो पाइल है वो बड़ा है। इस तरह बाहर वाला जो ऊपर का जो पाइल है वो बड़ा है, पीछे जो पाइल है वो छोटा है, तो इस तरह ये जो है कट पाइल करने पर ये स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि इसमें दिखाया गया है। ये देखिए ये कट पाइल है दो और उनके बीच में जो है ग्राउंड फैब्रिक की कितनी स्पेस है ये आराम स्पष्ट लाइन एक तरह से दिखाई देती है। इसमें कट पाइल का निर्माण इस तरह किया जाता है कि वे एक सीधी रेखा कोर्ड बनाते हैं और दो रेखाओं के बीच में ग्राउंड फैब्रिक की सतह स्पष्ट दिखाई देती है, यानी पाइल की जो लाइन बनती है उसके बीच में ग्राउंड फैब्रिक की सतह
स्पष्ट दिखाई देती है। ये कॉर्ड्स अलग अलग तरह से बनाए जा सकते हैं, इन्हें कॉर्ड्रॉइज और फोस्टियम के नाम से भी जाना जाता है। कॉर्डेड वेलवेटिन या कॉर्ड्रॉय को ड्राफ्ट और कैसे हम बनाएंगे, देखिए स्ट्रक्चर को। यहाँ पर हमने 12 थ्रेड पे, क्योंकि लोग को थोड़ा सा कुछ लंबा इसमें बनाएंगे, तो हमने 12 थ्रेड्स पर हमने लिया है, और एक ग्राउंड से दो पाइल 1:2 का रेशियो लिया है। तो ये 6 पिक हम लेंगे, जिसमें दो ग्राउंड के पिक हैं और 4 जो है पाइल के हैं। पाइल P1 और P2 सेम है दोनों में रिपीट। तो इसको बनाने के लिए वही, सबसे पहले हम ग्राउंड में प्लेन व्यू फिल करते हैं, और उसके बाद पाइल व्यू को इस तरह फिल करते हैं कि पाइल व्यू अल्टरनेट थ्रेड्स पे ना होकर रेगुलर थ्रेड्स पे हमने फर्स्ट जो है फिल किया ट्विल। अब इसको फ्लोट बनाने के लिए, एक लॉन्ग फ्लोट और दूसरा शॉर्ट छोटा फ्लोट बनाने के लिए, जैसा कि हमने पिछले फिगर में देखा है, वैसा बनाने के लिए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो लंबा फ्लोट जो है उसको हम 6 का फ्लोट बनाते हैं। तो पहले मार्क के बीच में 6 खाली छोड़कर डाउन करके, और 8वां जो वार्प है उस पर हम मार्क कर देते हैं, और दूसरा जो पाइल है उसको, क्योंकि हमने छोटा फ्लोट बनाना है, तो अगले थ्रेड में, पहले वार्प में हमने पहले पाइल का इंटरलेसमेंट लिया था, अब दूसरे पाइल का इंटरलेसमेंट दूसरे वार्प पर लेंगे, और इसको 4 का फ्लोट, छोटा फ्लोट बनाएंगे। तो जो पिछला थ्रेड हमने जिस लिया था इंटरलेसमेंट के लिए, उससे एक पहले इंटरलेसमेंट हम इसका करेंगे। तो इस तरह जो है ये दो फ्लोट हमारे बन गए हैं। दोनों रिपीट्स को हम इस एज इट इज़ रिपीट कर देंगे। तो अगले, इसके बाद आगे वाले थ्रेड्स में जो है, जहाँ लंबा फ्लोट है वहाँ पर छोटा फ्लोट बनेगा, और जहाँ छोटा फ्लोट है वहाँ बड़ा फ्लोट बनेगा। ये अल्टरनेटली बनते चले जाएंगे। अब इसको कॉर्डेड या कॉर्ड्रॉय बनाने के लिए फ्लोट को, जो फ्लोट्स हैं उन फ्लोट्स को हम सेंटर से कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले पाइल का फ्लोट 6 का है, तो हमने बिल्कुल सेंटर में एरो मार्क लगा दिया है, ये 3 जो थ्रेड्स हैं उनके बाद में। और इसी तरह अगले रिपीट में हमने यहाँ, क्योंकि दो लाइन बन रही हैं, तो हमने 2 एरो मार्क बना दिए हैं। इस तरह ये कॉर्डेड वेलवेटिन के 2 कॉर्ड्स बन रही हैं, जो कि हमें स्पष्ट लाइन के रूप में दिखाई देंगी कट होने के बाद में। इस तरह ये कॉर्डेड वेलवेटिन या कॉर्ड्रॉय तैयार हो गया है। स्टेप्स और मार्क वही हैं। क्रॉस जो है ग्राउंड वेव के लिए है, ओ पाइल वेव के लिए है, G1 G2 ग्राउंड वेव 1 और ग्राउंड वेव 2, P1 P2 पाइल वेव 1 और 2। एरो मार्क जो है वो पाइल का या कोड को कट करने वाला मार्क है, जहाँ से हमें कोड को कट करना है। वेफ्ट प्लसेस जो है वो कॉटन और सिल्क आदि के कोमल सॉफ्ट फैब्रिक होते हैं, जिसका रोआ मखमल यानी वेलवेटिन के रोए से अधिक लंबा होता है और मुलायम भी होता है। प्लस एक कपड़ा है जो कटा हुआ रोआ या पाइल यानी कट पाइल है, जो वेलवेटिन के समान ही होते हैं। मूल रूप से प्लस पाइल में मोहर या वर्स्टेड यार्न काम में आता है, लेकिन अब रेशम के साथ या कॉटन की बैकिंग का उपयोग प्लस के लिए किया जाता है। ये ड्रेस मटेरियल और लेडीज़ गारमेंट्स के निर्माण में भी काम लिए जाते हैं। आधुनिक प्लस आमतौर पर सिंथेटिक फाइबर से, जैसे पॉलिएस्टर से निर्मित होते हैं। इस कपड़े का एक सबसे बड़ा उपयोग भरवां खिलौनों यानी स्टफ्ड टॉयज के उत्पादन में होता है। प्लस कपड़े से बने छोटे प्लस खिलौने, जैसे कि टेडी बियर, इस बिंदु पर अक्सर प्लस खिलौने या प्लशेस के रूप में संबोधित किया जाता है। डिज़ाइनर खिलौनों के निर्माण के लिए भी प्लश मुख्य सामग्रियों में से एक है। प्लसेस को बनाने के लिए देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनता है। प्लस स्ट्रक्चर, ग्राउंड व्यू प्लेन हमने लिया है, देन इररेगुलर साटिन हमने पाइल व्यू के लिए लिया है। ये पाइल व्यू देखिए, इररेगुलर साटिन में हमने एक्सटेंशन दिया है,
इरेगुलर सेटिंग लिया, उसको हम एक्सटेंशन देकर पाइल व्यू का मोटिफ हमने बनाया है। देखिए जो चार थ्रेड पे इरेगुलर सेटिंग बनाया था उसको हमने डबल साइज पर बनाया है और हर एक मार्क को एक एक एक्सटेंड एक मार्क एक्सटेंड कर दिया। इस तरह चार हमारे पाइल हो गए। पाइल का रेशियो हमने लिया है 1:2, तो दो ग्राउंड और क्योंकि एक रिपीट के चार थ्रेड्स हैं तो ये चार थ्रेड हमने इसमें ले लिए हैं। मार्किंग G1, A1, P2, G2, P3 और P4 चारों पाइल्स को हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले ग्राउंड व्यू हमने फिल कर दिया प्लेन व्यू और उसके बाद जैसे मोटिफ में है बिल्कुल एज इट इज हमने मार्क कर पाइल व्यू को फिल कर दिया है पाइल थ्रेड्स में। देखिए P1 और P2 को फिल कर दिया, उसके बाद P3 और P4 को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर जो फ्लोट्स बन रहे हैं इनके, उन फ्लोट देखिए फ्लोट्स कितने लंबे हैं। ये जो साइज बनाया है वीव का जो साइज बनाया है वो 16x6 पर हमने बनाया है। तो ये मार्क हमारा जब हमने मार्क कर दिया है, मार्क लगाने के बाद पाइल का फ्लोट देखिए 13 का एक लंबा फ्लोट बन रहा है। 13 थ्रेड्स पे 13 वार पे एक फ्लोट बन रहा है। तो इसको जब कट करेंगे तो एक लंबे लंबे कट इसमें होंगे और जो वेलवेटिन बनेगा वो लंबे फ्लोट्स का बनेगा हमारा, इसलिए इसको हम लंबे फ्लोट्स पे बनने वाले वेलवेटिन को प्लश वेलवेटिन भी कहते हैं। इसमें स्टेप्स एंड मार्क शोज सेम एज वेलवेटिन है। क्रॉस ग्राउंड व्यू ओ पाइल व्यू G1 G2 ग्राउंड वेफ्ट 1 एंड 2 P1 P2 P3 P4 जो है पाइल के वेफ्ट 1 2 3 4 हैं और उनको इस तरह हमारा वेफ्ट प्लस का जो है ये भी तैयार हो गया। फिगर्ड वेलवेटिन वह जगह होती है जहाँ एक पैटर्न बनाने के लिए निर्धारित क्षेत्रों में पाइल बुना जाता है, यानी कि जिस फैब्रिक में हम बना रहे हैं उसमें एक स्पेसिफाइड एरिया जो होगा जो कि जहाँ फिगर में पाइल हमें बनाना है, कोई मोटिफ होता है कोई आकृति होती है उसमें वो पाइल क्षेत्र निर्धारित होता है, वहीं पाइल बुना जाता है। इसमें पाइल की कटिंग करके विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ बनाई जाती हैं। नरम सामग्री का उपयोग बड़े पैमाने पर होम अपोल्स्ट्रीज और फर्नीचर के लिए किया जाता है। वेलवेट और वेलवेटिन में अंतर, पहला वेलवेट एक बुने हुए कपड़े यानी वोवन कपड़े हैं जो सिल्क से बने होते हैं, जबकि वेलवेटिन भी एक वोवन फैब्रिक ही है लेकिन ये कॉटन से बना होता है। यानी वेलवेट मोस्टली सिल्क से बनते हैं और कॉटन से वेलवेटिन बनता है। दूसरा जो अंतर है, वेलवेट चमकदार और नरम होते हैं जबकि वेलवेटिन कम चमकदार और स्पर्श के लिए कम नरम होते हैं, क्योंकि कॉटन के होते हैं तो कॉटन सिल्क जितना सॉफ्ट नहीं होता है। तीसरा जो अंतर है, वेलवेट का रंग वेलवेटिन के रंग से गहरा होता है क्योंकि सिल्क के रंग जो होते हैं वो थोड़े से डार्क होते हैं, तो ये गहरे रंग के होते हैं, वेलवेटिन हल्के रंग के होते हैं। वेलवेट चौथा अंतर जो है, वेलवेट हल्का होता है और उसको ड्रेप करना आसान होता है जबकि वेलवेटिन पूर्ण और भारी होता है जिसका ड्रेप आसान नहीं है। वेलवेट वेलवेटिन की तुलना में अधिक महंगा होता है क्योंकि ये सिल्क से बनता है वेलवेट और कॉटन सस्ता होता है, तो वेलवेट महंगा और वेलवेटिन सस्ता होता है। वेलवेटिन जो है कपड़े वेलवेट का इमिटेशन होता है एक तरह का और उन लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है जिनके पास वेलवेट खरीदने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं होती है। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। इसमें हमने आज डिस्कस किया कैसे वेलवेट वार्प वेफ्ट पाइल कैसे बनता है, वेफ्ट पाइल यानी वेलवेटिंग को अलग अलग तरह से कैसे बनाया जाता है, प्लेन बैग, व्हील बैग, कॉर्ड्रॉज, प्लसेस, फिगर्ड वेलवेटिन, इन सबको हमने अच्छे से पढ़ा और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आई होप कि आप इसको निरंतर इसको देखकर और अच्छे से समझ पाएंगे। आज के लिए थैंक यू।